हेलो श्वेन। तो इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरोप्लेन प्रॉब्लम्स। तो एरोप्लेन क्या है? एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन किस में उड़ता है? हवा में, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो एयर के रिस्पेक्ट में दी गई होती है। जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ता है, द सिमिलरली बोट पानी में। देखना वर्ड क्या है, एरोप्लेन हवा में, बोट पानी में, वाटर पे। इसका मतलब कहीं नहीं लग रहा है कि वाटर का बिहेवियर एग्जैक्टली वैसे ही है बोट के लिए जैसे एरोप्लेन के लिए एयर का बिहेवियर है। जैसे कि एरोप्लेन मान लो हवा में है, अगर हवा भागेगी तो एरोप्लेन को कैरी करेगी, ये तुम्हें मानना है। मतलब जैसे, नहीं तुम क्या करते हो? पेपर वाला एरोप्लेन नहीं उड़ाते, ऐसे पेपर वाला पेपर बना देते हो, ऐसे बनाते हो, फिर ऐसे फेंका होगा, कुछ तो किया होगा लाइफ में। तो जो ऐसे फेंकते हो ना, वही एरोप्लेन है बेसिकली। अगर उसको मान लो किसी ने ऐसे रखा और हवा अगर ऐसे धक्का मारी तो हवा के साथ साथ वो भी आगे जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है हमें, और एक्चुअल में भी यही होता है, एरोप्लेन एक्चुअल में एरोप्लेन एयर के रिलेटिव चल रहा होता है। रिलेटिव इज अंडरलाइन। तो अगर हवा बहने लगी किसी डायरेक्शन में तो एरोप्लेन को कैरी करने लगेगी, उसको उधर लेके जाएगी। तो हम एक सीधा रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आपको करना हो, जैसे कोई कहे कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर या विथ रिस्पेक्ट टू स्टील एयर इज BMR, जैसे मैन की स्पीड रिवर रिस्पेक्ट में, वैसे ही वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन एयर के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ें हम सेम होती है, कोई चीज़ नया नहीं, बस आपको एक रिप्लेस करना है। एयर को रिप्लेस कर दीजिए वाटर या रिवर से, एरोप्लेन को रिप्लेस कर दीजिए बोट और स्विमर से, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, एकदम आंसर मैच कर जाएगा। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट जो तुम पढ़े हो किस में, रिवर बोट प्रॉब्लम में, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट किस में होगा, एरोप्लेन और एयर प्रॉब्लम में। कुछ भी नया नहीं होगा, तुम एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, एक एक टर्म का मतलब सेम है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे समझ रहे हो ना, कुछ नहीं करना है, बहुत परेशान हो ना, क्या करना है, एयर को मिटाना वाटर लिख देना, एरोप्लेन को मिटाना बोट लिख देना, और बोट और वाटर प्रॉब्लम आन के सॉल्व कर देना, अंतिम में आंसर मैच करना, देखना अरे आंसर आ गया, यही लाइफ। गुड क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बना दिया। सपोज करो एक दिन हवा नॉर्थ में चल रही थी, हवा नॉर्थ में चल रही थी, तो एयर स्पीड जो है, क्वेश्चन दिया गया है, सपोज करो 100 मीटर पर सेकेंड, एयर की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, इतना तेज हवा चल रही है नॉर्थ के डायरेक्शन में, ह्यूम साउथ से आ रही है और नॉर्थ की तरफ जा रही है, और ये सपोज करो लखनऊ है, तो तुम लखनऊ में हो और तुम्हारा मन कर रहा है चलो दिल्ली घूम के आते हैं। अब दिल्ली क्यों घूम के आते हैं तुम जानो, तुम्हारा मन कर रहा है दिल्ली घूम के आते हैं। सपोज करो दिल्ली, यहाँ पे ये दिल्ली है, न्यू दिल्ली NDL, लखनऊ को LKU बोलते हैं, और ये जो न्यू दिल्ली है वो लखनऊ से को सीधी जो लाइन है, ये लाइन, ये एंगल बना रही है 53 डिग्री, और एरोप्लेन की जो स्पीड है, एरोप्लेन की स्पीड, प्लेन की स्पीड एयर के रिस्पेक्ट में, दिस इज 400 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एरोप्लेन को अगर लखनऊ से दिल्ली जाना है
तो इसको मिलाने वाले लाइन के डायरेक्शन से, इस लाइन के डायरेक्शन से कितना एंगल बना के तैरना चाहिए ताकि वो सीधे एनडीएल पहुंचे। अगर एरोप्लेन सीधे ऐसे तैरने की कोशिश करेगा तो हवा का धक्का ऐसे लगेगा तो इधर हो जाएगा और जाना होगा न्यू दिल्ली। अब पहुंच जाएगा न्यू दिल्ली के नॉर्थ में, कौन सी जगह है, पंजाब वंजाब या जो भी हो वहाँ पहुँच जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया लिख रहा हूँ, फाइंड एंगल मेड बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन विथ लाइन, विथ नहीं होता फ्रॉम होता ना, फ्रॉम लाइन एलको टू एनडीएल टू डायरेक्टली रीच एट एनडीएल। तो देखिए एरोप्लेन का स्पीड एयर के रिस्पेक्ट में 400 है और एयर की 100 है, तो हवा के रिस्पेक्ट में 400 उड़ रहा है तो हवा भी धक्का मार रहा है, तो उसे इस डायरेक्शन से किधर चलना चाहिए। अगर एरोप्लेन इधर ऐसे चलना शुरू करेगा तो हवा हवा धक्का मार देगा ऊपर की ओर, इसका मतलब इस डायरेक्शन से वो कुछ इसको ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर इसका ऐसे आएगा और इस वेलोसिटी वेक्टर में जो हवा है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ की वेलोसिटी वेक्टर ऐसे ऐड अप हो जाएगा इस तरीके से और रिजल्टेंट बन जाएगा इस तरीके से, इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ो ये बन गया रिजल्टेंट। तो ये जो एंगल है वो ये एंगल अल्फा है जो कि उसको बनाना पड़ेगा, और ये पूरा एंगल 53 डिग्री है, पूरा 53 डिग्री है। तो एरोप्लेन को क्या करना होगा कि एलकोए और एनडीएल को मिलाने वाली लाइन से अल्फा एंगल इधर ऐसे चलना पड़ेगा ताकि एयर की वेलोसिटी का वेक्टर इसमें जब ऐड हो तो रिजल्टेंट ऐसे बन जाए और ऐसे एनडीएल पहुंच जाए। अब चलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, तो हम इस ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल को मैं बना रहा हूँ ऐसे, इस ट्रायंगल को मैं बना रहा हूँ, दिस एंगल इज अल्फा और अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो ये एंगल 37 डिग्री आएगा, 37 डिग्री क्यों आएगा देखिए, अगर इसको तुम नीचे तरफ बढ़ा दोगे ऐसे बढ़ा दोगे ऐसे, इसको नीचे तरफ बढ़ा दो नीचे, तो ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, तो ये तो 90 है और ये तो 53 डिग्री है, ये पूरा 53 डिग्री है, तो इस बड़े ट्रायंगल्स की बात करूँ तो अगर ये 53 है ये 90 है ये कितना आएगा 37, मतलब ये डायरेक्शन इस वर्टिकल के साथ 37 डिग्री बना रहा होगा, 37 डिग्री हो गई। ये जो लेंथ है बेसिकली ये एयर की स्पीड है 100 के बराबर है और ये स्पीड VMR है, VMR मतलब PA है 400, लगा देंगे साइन रूल, तो साइन रूल क्या लगाओगे, साइन अल्फा अपान 100 इज इक्वल्स टू साइन 37 डिग्री एंड डिवाइड बाई सामने का लेंथ 400। सिंप्लीफाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर, साइन अल्फा इज इक्वल टू होगा 1/4 साइन 37 इट इज 3/5 दिस इज 3/20 एंड व्हाट इज अल्फा इट इज साइन इनवर्स 3/20। तो लखनऊ और एनडीएल की जो लाइन है उससे उसको इतना एंगल बनाना पड़ेगा तब जाके वो डायरेक्टली कहाँ पहुँचेगा, न्यू दिल्ली। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एयर है वो 100√2 meter per second से नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री पे एयर ऐसे मूव कर रही है, हवा ऐसे मूव कर रही है। एक एरोप्लेन है इज हेडिंग टुवर्ड वेस्ट विथ स्पीड ऑफ 400 meter per second देन फाइंड इट्स पोजिशन एट t = 2 seconds इनिशियली इट इज एट ओरिजिन। मतलब जो एरोप्लेन है अगर इनिशियली वेस्ट में जा रहा है, अगर वेस्ट में जा रहा है तो बताइए 2 सेकेंड बाद उस एरोप्लेन का पोजीशन क्या होगा अगर एरोप्लेन इनिशियली इस ओरिजिन पे है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, चलिए सॉल्व करता हूँ। तो इसमें क्या करना है कि एरोप्लेन जो है वो चल रहा है इधर कितने स्पीड से, 400 meter per second से, तो ये तो हवा के रिस्पेक्ट में दिया गया ना, ये हवा के रिस्पेक्ट में 400 meter per second ठीक है, और हवा इधर जा रही है 100√2 से तो मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना, इस वेक्टर का रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कंपोनेंट निकालना पड़ेगा,
तो कंपोनेंट कैसे बनेगा, इस 100√2 का ये कंपोनेंट, x कंपोनेंट क्या बनेगा, 100√2 cos 45 1/√2, तो रूट टू से रूट टू कटेगा, क्या बनेगा ये 100, और 100√2 का ये वाला नॉर्थ वाला साइन क्या लगेगा, एंगल का सामने वाला साइन 45, इट इज अगेन 1/√2, इट इज अगेन 1/√2, इट इज अगेन 100. तो फिर रिजल्टेंट कितना आएगा, ये 400 या 100, इसको सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से 300. इसका मतलब एरोप्लेन ना इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ऐसे उड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसे धरती पर अपने घर में बैठे रहोगे ना आप देखोगे, अच्छा एरोप्लेन तुम्हें ऐसे रहता नजर आएगा, जबकि उसकी हेडिंग थी इधर, बट हमारे कुछ इधर धक्का मारा और कुछ इधर धक्का मारा, ठीक है, तो रिजल्ट इधर बन गया, इधर बन गया. अच्छा इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ही, बट ये ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज हवा का धक्का ऊपर को भी है, और इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि स्पीड 400 थी, हवा x में से 100 दे रहा है, 100 दे रहा है, तो बाकी 300 इधर धक्का मारेगा और 100 का ऊपर, तो रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, इधर भागेगा. अब देखो पूछ रहा है कि 2 सेकंड में पोजीशन कहाँ होगा, तो अपने मन से x एक्सिस ऐसे मान लें और y एक्सिस ऐसे मान लें. तो x डायरेक्शन सॉल्व कर रहा हूँ, x के डायरेक्शन में डिस्कशन क्या होगा, 300 वेलोसिटी कॉन्स्टेंट इंटू टाइम क्या है 2 सेकंड, वेलोसिटी इंटू टाइम, बट माइनस इसलिए क्योंकि वेलोसिटी इधर है ना इधर, तो कितना आ गया माइनस 600 मीटर. तो ये 2 सेकंड बाद ये जो एरोप्लेन होगा वो 600 मीटर वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा. और y में कितना मूव करेगा, तो y की स्पीड 100 है, टाइम क्या है 2 सेकंड, इट इज़ 200 मीटर. इसका मतलब एरोप्लेन जो है वो जब यहाँ पर आएगा 2 सेकंड बाद, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट -600 और y कोऑर्डिनेट 200, एंड दिस इज आंसर. एरोप्लेन यहाँ पर आपको दिखेगा, तो आप कह सकते हैं कि जो एरोप्लेन है वो वेस्ट में 600 मीटर और नॉर्थ में 200 मीटर की दूरी होगा आफ्टर 2 सेकेंड. गॉट इट. तो एरोप्लेन पे बेस्ड होकर ऐसे ही प्रॉब्लम्स होंगे और आपको ऐसे ही समझना होगा, एरोप्लेन इधर उड़ रही है, हवा इधर तक का मार रहा हो, तो फिर क्या हो रहा होगा. गुड.